नाजरीन आदाब आज के गुफ्तु का मौजू जुमला कसीदा क्या है उसकी अहमियत क्या है इसकी वजाहत है इस सिलसिले में पहले उसके लगवी मानी नज़ असलाहीने पर रोशनी डाली जाएगी नज़ उसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ों और रसूलों के अलावा उर्दू में उसके आगाज़ो अरतका पर गुफगू होगी इंसानों ने जब से इस धरती पर अपनी बस्ती बसाई है तब से किसी न किसी ज़बान का इस्तेमाल उसके लिए ज़रूरी साबित हुआ है किसी की बड़ाई करना या किसी की बुराई करना इंसान की फितरत है ज़िंदगी का कोई शोभा इस फ़ेल से खाली नहीं है लिहाजा अदब में इस अमल का नज़र आना बतौर शेर या नसर कोई हैरत की बात नहीं नसर में कसीदे के ज़ैल में वो तहरीरें आ जाती हैं जहाँ किसी समाज तहजीब मजहब या किसी शख्स और उसकी कारदगी की हद दर्जा तारीफ़ें की गई हों जैसे कोई नक़ात किसी शायर या नसल की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करे यानी एक ऐसी तारीफ़ जो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी हो या जिसका मकसद चापलूसी करना और उसके बदले कुछ हासिल करना ठहरे इत्तफाक से कसीदे की शायरी को भी कुछ इसी कस्म की सरगर्मी के जैल में रखने की कोशिशें की जाती रही हैं लेकिन जिस कसीदे पर हम लोग यहाँ गुफ्तू कर रहे हैं वो इस तरह ही मानी में शेर व शारी की एक हद दरजा क्लासिकी ना के असूलो जवाब पर मबनी शायरी का नाम है महमूद लाही ने अपनी किताब उर्दू में कसीदा नगारी का तनकीदी जायजा में सही कहा है कि उर्दू शेर व अदब का नक़ात यह कहकर उहदा भरा नहीं हो सकता कि कशीदा दरबार की चीज़ थी और दरबार के साथ ये भी ख़त्म हो गया महमूद लाही साहब ने यह बात इसलिए कही है कि उनके नज़दीक कसीदा सिर्फ़ एक हैत का नाम नहीं है बल्कि कसीदा अपनी हैत का तयन अपने ख़ास तर्ज अदा और औरलूबियातीत की सतह पर करता है वैशत सिर्फ कसीदा मिजुमला शायरी का ममबा है कहना ये चाहता हूँ कि कसीदे में बैक गज़ल भी है नज़म भी हज मध और सताइश भी मरसिया भी मंजरिया शायरी भी नात भी मनकबत भी शायरी भी और इल्म भी आइए लफ्ज़ कसीदा के मानी पर गौर करते हैं कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है कहीं इसके मानी मक़ गलीस के हैं कहीं दिलदार गुदा के लिखे हैं अबू मोहम्मद सर ने लिखा है कि असल में ये लफ्ज़ अलक यजरबा से मतलब है जिसके मानी हैं इरादा करना डॉक्टर ज्याा अहमद बदायूनी ने अपने मजमून अबान कसीदा के अरकान अरबिया में लिखा है कि कसीदा या कसीदा के मानी लगत में ऐसी चीज़ जिसमें गोश्त कम और गुदा ज़्यादा हो मोटी ऊटनी चुप दस्ती और शायरे पाकिजा के आए हैं अगर कसीदे के लोग भी मानी मगज या गुदे, गुदा के हैं तो असलाही मानों में कसीदा वो शायरी करार पाती है जिसको आप शायरी का मगज़ यानी शायरी की अली तरीन सूरत करार दे सकते हैं इस बात को जहन में रखते हुए मोहम्मद अलाई साहब ने यह सवाल क़ायम किया है कि अगर कसीदा असनाफ शायरी की अला तरीन सूरत है तो अरब में ऐसी कितनी शेरी असनाफ थी जिनका मक़् कसीदे को करार दिया गया ज़ाहिर है कि अरब में उस वक्त मरसिया भी लिखे जाते थे और दूसरी असनाब भी थीं, मगर उन पर कसीदे को फोकियत दी गई होगी सैद इमद मसर का कहना है कि कसीदा वो सिनफ शायरी है कि उरूजी तरकीब में गजल से तमाम तर मुशहत रखता है इल्ला ये कि उसमें गज़ल से बहुत ज़्यादा अशार होते हैं जिस तरह गज़ल पाँच शेर से कम की नहीं होती उसी तरह कसीदा एक इस शेर से कम का नहीं होता लेकिन मजामीन के एतबार से कसीदा और गजल में बड़ा फ़र्क़ है येफ़ शायरी दाखिली और खारजी दोनों पहलुओं के मजामीन से ताल्लुक़ रखती है मुख्तसर कसीदा गोई शार हमत महाप का काम है और उसके लिए वफूर मालूम इलमिया की हाजत है लेकिन हज़ार अफसोस है कि इसफ़ शायरी से बहुत से शराय अहल इल्म भी वो काम नहीं लेते गए हैं जो उसका तकाजा है शराय दरबार की बदौलत यह सिनफ शायरी किस दर्जा इब्तदाल को पहुँच गई है हाल ही से भी कुछ पहले उर्दू के पहले नाकद इमदाद अमां साहब ने जो बातें कसीदे के सिलसिले में कही हैं उनसे ये जाहिर होता है कि कसीदे की शायरी का मकसद महज किसी आली जहा की झूठी तारीफ़ नहीं है दूसरी बात कसीदा गज़ल की तरह तो है लेकिन जहाँ गजल का झुकाव इंसान के दाखिली कायनात यानी उसके ग़मों खुशियों तमन्नाओं और हसरतों दिल के अंदर मौजूद किसी के इश्क के गुबार नेज़ इंसानी नफसियात की या इंसान की फितरत की गहरी और न समझ में आने वाली बातों को फ़नकारी के साथ बयान करने का अंजाम देने की तरफ़ है तो वहीं कसीदा उन इन बातों के अलावा बाहर की दुनिया यानी ख़ारजी वालों को भी अपने शायरी के अहाते में खींच लाता है इस तरह कसीदा गज़ल से सवा शायरी है यानी गज़ल की हयत को अगर सामने रखें तो गज़ल कसीदा और कसीदा एन गजल मालूम होता है वही मतला और मतले के बाद के अशार का अंदाज़ जो गजल में नज़र आता है लेकिन जब हम उस जब हम उसकी साख्त और उसलूब पर गौर करते हैं और तौर से उर्दू या फारसी के बड़े शहरा मसलन सौदा जौक लिब अमीर मिनाई, मोहसिन काकोरी, वगैरह या उर्फ़ी अनवरी खाकानी वगैरह के कसीदों पर गौर करते हैं तो ये पाते हैं कि गज़ल के मुकाबले कसीदे में सबक उसलूब या नरम और मुलायम लहजे के बजाय एक ख़ास तरह का रोब और पुरशकोह लहजा और ऐसे अलफाज का इस्तेमाल नज़र आता है जो हमने कम सुने या इस्तेमाल किए हैं ग़ज़ल से अलग कसीदा अपनी क्या शनाख्त रखता है इसका अंदाज़ा कसीदे की हयत पर गौर करने से कम ही होता है बल्कि उसकी साख्त और उसके उसलूब पर गौर करने से ज़्यादा बेहतर तौर पर यह बातें सामने आती हैं जैसे कसीदे की हैत के बारे में कई तरह की राय एक साथ सामने आती हैं जिसमें कम से कम अशार हों या अशार की तादाद जब सात तक पहुंच जाए तो कसीदा बन जाता है बाज लोगों मसलन इब्ने रशीक के नज़दीक जब अशार की तादाद दस से आगे बढ़ जाए तभी उसे लोग कसीदा समझते हैं अरबी की लोगत में सोलह और उससे ज़्यादा अशार हों तो उसे कसीदा कहा जाता है इसी तरह कहीं सात तो कहीं बारह और अशार की तादाद अगर पाँच सौ शेर तक भी पहुँच जाए तो उसे कसीदा कहा गया है इन जुमला उसूलों को समेटते हुए डॉक्टर अबू महम्मद सहर ने लिखा है कि सही मानों में कसीदे का इतलाक़ उसी नजम पर हो सकता है जिसके पहले शेर के दोनों मसरे हम काफिया व रदीफ़ हों और बाकी अशार के दूसरे मसरे पहले शेर के हम काफिया व हम रदीफ़ हों ये लाजमी नहीं कि हर कसीदे में रदीफ़ भी हो लेकिन मस्कूरा क्यूद में काफ़िया का होना लाजमी है तो साबित ये हुआ कि कसीदे की हयात को अशार की कैद के लिहाज से हम कोई तयशुदा मतन करा नहीं दे सकते बल हाजि ज़रूरत अशार की तादाद घटती और बढ़ती नज़र आ सकती है एक दूसरी बात जो यहाँ ठहर कर समझ लेनी चाहिए वो ये है कि कसीदे की पहचान सिर्फ़ उसकी हयाती बुनियादों पर कतई मुमकिन नहीं क्योंकि ये शक्लन या अपनी वज़ाक़त के मुताबिक गजली मालूम होता है तो फिर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से ये तमाम अशनाफ़ सुखन में मुमताज़ और ममज़ या अलग थलग नज़र आता है ालबा इसकी वजह उसकी हयत नहीं बल्कि मौजूद हैत या साख्त है यहाँ साख्त से मुराद कसीदे की शायरी का मखसूस तसुर और मिजाज है हर कसीदे का एक नवान होता है जिसे यह अंदाज़ा हो जाता है कि इस कसीदे का मौ क्या है मसा सौदा का कसीदा दरअसल हजरत अली की मनकबत है इसी तरह मोहसिन काकुई के कसीदे का मदही खैरमरसलिन है तो उर्दू के पहले शायर के कसीदे का मौजू एक खास तरह के बाग की तारीफ़ है जिसका नाम मोहम्मद सल वसम की ज़ात तदस से माखूज़ है गालिब के कसीदे का मौजू अपने अहद के बादशाह की तारीफ़ है और इसी तरह से क़ के कसीदे का मौजू भी अपने अहद के फरमा की तारीफ़ है यानी कसीदे का कोई तयशुदा मौजू नहीं होता है ये नहीं कि सिर्फ अहले अकतदार की तारीफ़ का नाम कसीदा है बल्कि कसीदे का मौजू दुनिया की बरगुजा बरगजीदा हस्तियाँ भी हैं जिसे पूरी इंसानियत फ़ैज़ होती रही है कसीदे के मौजू किसी भी मारूज़ की सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि अपने अहद के दुखों और मुसीबतों या हालात का तजिया भी रहा है सौदा नहीं कसीदे है। शहर आसब में अपने अहद के बादशाहों और उनकी तर्ज़ हुकूमत और उनकी हुकूमत में किस नौ की बाजारी पाई जाती थी उसके नकायस को वाजह किया है और एक तरह से उसकी हजब किए इससे ज़ाहिर हुआ कि कसीदा सिर्फ़ मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा कर� आखतू नहीं है बल्कि जिंदगी के हसन और दोनों को तशतबाम करने का नाम है यानी किसी 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 की खूबियों के साथ साथ किसी और की खामियों की निशानदेही भी है ताकि उसके अंदर मुसबत तब्दीलियाँ आएँ यानी उस शख्स की जिसकी हजों की जाती है कि इसकी असलाह के लिए कसीदे का यह रूप अपना एक जवाज़ रखता है क़ीदा अपने मौजू के अतबार से या अपने मजामी के अतबार से जिसके इजहार के लिए उसके अपने मखसूस अज़ाय तरकीबी होते हैं पहचाना जाता है इसके लिए ज़रूरी है कि कसीदे के मजामी उसलूबियाती वज़ा मुबालगा आरई इंतहाई तखीली और तख्लीकी दुनिया की तमीर अंधे शहाय दूर दराज से मतलब मजामी यानी ऐसी बातें जिस तक जहन कभी नहीं पहुँचा हो या उन अवामिल पर गौरव फिक्र किया जाए इन जुमला अमूर के साथ साथ कसीदे में पाया जाने वाला एक ऐसा साख्तिया है जो उसे यकलक़्त हर नाव की शायरी से अलग कर देता है और वह है कसीदे में पाई जाने वाली जुमला उलूम की बसीरतें और उसकी मालूम यानी कसीदे की शायरी अपनी साख्त के एतबार से शायरी और इल्म का मजमू मालूम होती है शायद इसी लिए हाली ने बहुत पहले कहा था कसीदा भी अगर उसके मानिय मुतलक मदो ज़म के लिए जाएँ और उसकी बिना महज तकलीदी मजामी पर नहीं बल्कि शायर के सच्चे जोश और वलबले पर हो तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिंफ़ है जिसके बग़ैर शायर कमाल के दर्जे को नहीं पहुँच सकता और अपने बहुत से अहम और ज़रूरी फ़राज़ से शबक दोस्त नहीं हो सकता तो हाल ही ने कसीदे के सिलसिले में बहस करते हुए एक और पते की बात ये कही है कि जब किसी ऐसे शख्स की जो मध का मुस्तिक होता है तारीफ़ की जाती है तो उसको मध का ज़्यादा इसतक हासिल करने या कम से कम अपना पहला इसतक़ कायम रखने का और दूसरों को उसकी रेस करने का ख्याल पैदा होता है उसी तरह जो लोग नफरी के मुस्तक़ हैं जब उनके ऐब बयान किए जाएंगे, तो उम्मीद है कि वह इस अंदेशे से कि मुबादा आइंदा ज़्यादा रसवाई हो अपनी असलाह की तरफ मतवजो या कम से कम अपनी बुराई से नादम या मतनबे होंगे इसीलिए मदा ऐसे उसलूब से करनी चाहिए कि वो मंजर ब ख़ुशामद ना हो जाए और मजम्मत ऐसे उनवान से होनी चाहिए कि दिल सोज़ी का पहलू तानो तशनी की नस्बत गालिब तर हो अब तक कि हमारी इस गुफ्तु से ये बात खुलकर सामने आ गई कि, कि कसीदा दरबारी शायरी नहीं है उसकी ज़रूरत हर अहद में महसूस की जाती है आम तौर से हमने ये ख्याल कर लिया है कि तो कसीदा सिर्फ़ मदह का नाम है यानी किसी की तारीफ़ करने वाली शायरी का नाम है ये ख्याल गलत है कसीदे का मौजू किसी की तारीब भी है और किसी के ऐप की तरफ या किसी अहद या उसद के बादशाह या मौजूदा ज़माने के अहले अकतदार या किसी ऐसी समाजी शख्सियत के अयूब का शेरी इजहार है जो पढ़ने वालों या सुनने वालों को मतनबे करे और जिसका हज मकसूद है उसके अंदर तब्दीली पैदा हो कसीदा चूँकि अरबी अदब से फ़ारसी और उर्दू में आया वहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादातर शुरा ज़िंदगी केतीी तजर्बात इश्क़ वारदात मनाजिर फितरत को कसीदे का मौजू बनाते थे और किसी फर्द वाहद की तारीफ उन्हें पसंद न थी यानी मदय क़सीदे का आगाज़ अरबी में बहुत बाद में हुआ और रफ्ता रफ्ता शरा खलफ़ा उम्र की मदसराई की जाने लगी दूसरी तरफ ईरान में जब कसीदा पहुँचा तो वहाँ कसीदे बुनियाद की बुनियाद बादशाहों और वज़ी की तारीफ पर कायम हुई उर्दू तक पहुँचते पहुँचते क़ीदे का असल यानी किसी की तारीफ़ या किसी के ऐब की निशानदेही दोनों सूरतों में हावी मौजू कर करार पाया लेकिन ज़्यादातर क़ीदा अखलाक हिकमत की बातों मनाजिर फितरत आसमानी मुसीबतों नीज़ इनकलाब रोज़गार यानी ज़माने में फ़र्द की नाकदरी महंगाई हुकूमतों का जबर मुल्क में फैली कुसाद बाज़ारी को ही मौजू बनाया गया है इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि कसीदा ज़िंदों की तारीफ़ है और मरसिया मुर्दों की तारीफ़ है क्योंकि कसीदे का मौजू मदे या हज होने के साथ साथ इससे भी कहीं ज़्यादा वसी वसी है और इसीलिए इमदाद अमाम सर लिखते हैं वो लिखते हैं ख़्याल करना चाहिए कि शराय दरबार की बदौलत यह सिनफ़ शायरी किस दर्जा इब्तदा को पहुँच गई है जानना चाहिए कि कसीदे की असल गर्ज़ यह है कि शायरी के, के पैराए में मसायलेक वाशरत व तमद्दन व माद वग़ैरह की तालीम दीनी व दुनियावी बनी आदम को नसीब हो या हमद ख़ुदा या नात मोहम्मद मुस्तफ़ा व मनकबत अली मुर्तदा वामा बासफ़ा से शायर को शवाब उकबा हासिल हो लेकिन शर्य नाकबत अंदेश इस इसफ़ शायरी को इस बदतरकीबी से इस्तेमाल करते गए हैं और आज भी कर रहे हैं कि अरबी व फ़ारसी व उर्दू की कसीदा गोई नंगे शायरी होकर शायस्तः मुल्कों में इन जबानों की तफजीह की सूरत हो गई है इमदाद इमाम असर और हाल ही को ये एहसास है कि कसीदा उर्दू अरबी और फारसी शायरी में बहुत अहमियत की हामिल शायरी है लेकिन उर्दू में इसको बार पाने की मोहलत कम मिली है इमदाद इमाम असर का ख़्याल है कि उर्दू में जिस वक्त कसीदे ने नामवरी हासिल करना शुरू की उस वक्त यहाँ के बादशाह अंग्रेज़ों की रशादवानियों की वजह से ब्राहना बाशाह रह गए थे उनके पास इतनी ताकत और दौलत नहीं थी कि वो कसीदा गो शरा को बड़े से बड़ा इनाम दे सकें हाल ही और इमदाद मामा ने ले देकर सौदा और क़ की कसीदा गोई को इस पाए का कसीदा करार दिया है जिसका मुकाबला फ़ारसी के और अरबी के अहम शरा से किया जा सकता है अहमदाद मसर को यह भी शिकायत है कि दीवान ज़ोक़ में जो चौबीस कसीदे हैं लेकिन उनमें एक कसीदा भी ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा या अली मुतदा की मदह से हो इससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि दरबार से उनको फुरसत कहाँ थी कि वो मजही मजहबी कसायद लिखें लेकिन सौदा ने मनकबत की शक्ल में मजहबी कसायद लिखे यहाँ ठहर कर इमदाद अमामसर के एक बयान पर हमें ध्यान देना चाहिए वो लिखते हैं कि ला उर्दू की कशीदा गोई बहुत असलाह तलब हो रही है वाकई जो इस वक्त की कसीदा गोई है शायरी को बदनाम करने वाली है ऐसी कसीदा गोई सिर्फ़ शायर और उसके ममदूह को जलील नहीं करती है बल्कि तमाम उन अवाम को जो उर्दू को अपनी मादरी ज़बान जानते हैं हाजत मंदाना शरा जो रियासतों में हसूल रिज़ की नज़र से मारे फिरते हैं वही पुराना राग गाया करते हैं ममदूह को सखावत हातिम शुजात में रस्तम अदल में नौशरवाँ हमत में लुकमान लिखा करते हैं सिपाहे ममदूह को मुरीद मल्लख बताते हैं उसके ताबे फरमान आफ्ताब महताब फलक मुल्क अब्रबाद आतिश खाक कज़ा व कदर सभी को कर देते हैं उसकी तलवार को बर्क़ हाथी को कोह और घोड़े को हवा कहा करते हैं उसकी उम्र को खजर से भी तवील तर चाह करते हैं ऐसे शरा से इसलाह मजाक की उम्मीद तो फजूल ही फजूल है हमें मालूम है कि सैद इमाम दमाम असर का ज़माना वो ज़माना है जब अंग्रेज़ों ने मशरक के यानी हिंदुस्तान के बहुत से सेलू फ़नून को बेवक़्त की रागनी बताकर उससे नफ़रत पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी थी इमदाद इमाम असर की राय में खलूस के साथ साथ मगरब की वो जहनीत भी खामोशी से राह पा गई है हकीम नजम्ल़नी ख़ान नजमी रामपुरी ने अपनी किताब बहरफात जल्द अव्वल में लिखा है कि किसीदा असलाह में उन अशार का नाम है जिसमें किसी की मद या हजब ज़िक्र की जाती है या वाज़ व नसीहत व पंद व मौजत या तारीफ़ बहार या शिकायत रोज़गार वग़ैरह मजामी दर्ज होते हैं वो अशार मानिय दकीक व शनाए व बदाय लफ्जी व मानवी के साथ बयान किए जाते हैं जिससे ज़ोर तबीयत शार का मालूम होता है जिस शायर ने क़ीदे में कमाल बहम नहीं पहुँचाया वो सबूत नहीं समझा गया मिर्जा गालिब का कौल था कि जो कसीदा नहीं लिख सकता उसको शुरा में शुमार नहीं करना चाहिए और इसी बिना पर वो शेख इब्राहिम जौक को पूरा शायर और शाह नसीर को अधूरा जानते थे ये जो आप जो आपने तारीफ सुनी है उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कसीदे को किसी कदर उसके मौजू से पहचानने वाली सिंफ़ की तरफ इशारा मौजूद है और ये भी कि शायर उस वक्त तक कमाल के दर्जे पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसने कसीदा निगारी में अपना हुनर न दिखा न दिखाया हो इशारा इस जानब है कि कसीदा सरताज सुखन है आगे उन्होंने भी इमदाद मामसर की तरह ही कसीदे और ग़ज़ल के फ़र्क पर रोशनी डाली है और एक नई बात ये सामने आई है कि बरखिलाफ़ गज़ल के कसीदे में फसाहत व बलागत व मतानत तीनों बातों का होना ज़रूरी है आजकल के अक्सर शुर् ने क़ीदे को गज़ल के ढंग पे ला रखा है और ये नहीं जानते कि कसीदा और गजल में बड़ा फ़र्क़ है कमतर कसीदा वो है जो सात शेर रखता हो आगे लिखा है कि अक्सर कसीदा अपने हरफे रदीब से मशहूर होते हैं मसल हरफे आखिर बैत कसीदे का काफ होगा तो काफिया कहेंगे और लाम होगा तो लामिया कहेंगे आला हजल बास कसीदा अपने मजमून से मशहूर होते हैं मसलन अगर कसीदे में किसी की मदह हो तो मदहिया, बहार का जिक्र हो तो बहारिया इश्क का जिक्र हो तो इश्क़िया कहलाता है और कभी कसीदे का नाम बतबार उसके रुतबे से होता है जैसे उर्फ शिराजी ने अपने कसीदे फारसी का नाम जवाहर रखा है और एक का तर्जमतुल सौदा ने अपने कसीदों को जिन्ना और बहरे बेकरां और तजी के रोज़गार के नाम से मसूम किया है यानी वही बात जिसकी तरफ हल्का सा इशारा सैद इमदाद असर ने किया था कि कसीदा वफ़ूर इलमिया की शायरी है नजमुल ग़नी ने भी इस रमज़ की तरफ़ इशारा किया है कि क्यों कर इल्मी मौजुआत की ताबीरें कसीदा गो शायर अपनी शायरी के ज़रिए पेश करते रहें और शायरी और इल्म के संगम को किस कदर फितरी तौर पर उभारते रहें नजमुल ग़नी ख़ान ने कसीदे की दो किस्मों का जिक्र किया है यानी कशीद तमहीदिया और दूसरा खिताबिया उनके नज़दीक तमहीदिया कसीदा वो है जिसमें ममदू का जिक्र चंद अमूर ज़ायद के बयान किया जाए मसलन तारीफ़ से पहले कुछ बाहर की कैफियत या ज़माने की शिकायत की जाती है या कोई और मजमून बयान किया जाता है और उसके बाद ममदू की तारीफ़ या हजव की जाती है और अगर कहीं पर कसीदे में किसी शख्स या, या मकाम की मदद के बग़ैर किसी तमहीद के शायरी में पेश की जाए तो उसे कशीद खिताबिया कहते हैं जैसे सौदा का कसीदा मनकबत अली तमहीदिया कसीदा है और उर्दू के अव्वल शायर कुली कतुब शाह का कसीदा बाग मोहम्मद शाही खिताबिया कसीदा है अब तक की बहस से दो बातें खुलकर सामने आईं कि कसीदे की शनाख्त का मसला सिर्फ़ हयाती तौर पर हल करना बहुत मुश्किल है। हैत के साथ साथ उसकी साख्तों पर भी तोज देनी ज़रूरी है मस अबू मोहम्मद सहर ने कसीदे की सिनफी शनाख्त उसकी हैत और फनी कैूद को लाजमी करार दिया है तो दूसरी तरफ़ शमी महमद का इसरार है कि कसीदे को भी मरसिए मानंद का दर्जा उसके मौजू की वजह से हासिल होता है या होना चाहिए मुख्तार शमीम ने अपने मजमून अबू महमद सहर उर्दू कसीदे के मतबर नाक़द और महक् में शमी महमद के इस मौक़ को ग़लत ठहराया है उन्होंने कहा है किलबन ये बात वो इसलिए कहते हैं कि कसीदे से उनकी मुराद मदहिया शायरी है कसीदे में मदाही के मौजू की की रवायत से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन सिर्फ़ कसीदा सिर्फ़ मदह की मरहुन मन्नत नहीं है लेकिन कसीदे में मदह के बहाने से भी मुख्त्य मौजुआत को नजम करने की गुंजाइशें निकल आती हैं इसके अलावा उर्दू में बाज ऐसे कसीदे भी हैं जिनमें मदह का पहलू रखा ही नहीं गया है बगैर नज़र देखें तो कसीदा अपनी हैत और मौजूद दोनों की बुनियाद पर अपनी सन्फी शनाख्त मतयन करता हुआ नज़र आता है और मुख्तलिफ नौ नौलूबी खतूत पर गामजन नज़र आता है जिसके डांडे दकी इल्मी मसाइल से जा मिलते हैं तो वही इजहार की सतह पर इन उन शेरी सन्नतों की आला सतही पेशकश का मकसन कसीदा नज़र आता है जिसे हम शनाय लफजी व मानवी के नाम देते हैं असल में कसीदे की पहचान वही है जिसकी तरफ तसनाशा ही सही इशारा डॉक्टर अबू मोहम्मद सैर और किसी अद तक महमूद अलही के यहाँ मौजूद है कि अबू मोहम्मद सहर का ये कहना कि उर्दू शायरी के किसी भी संजीदा मताल में कसीदे को नजरअंदाज करना इसलिए महाल है कि उसके बगैर हम न सिर्फ अपनी शायरी और ज़बान बल्कि अपनी तहजीब की पूरी तस्वीर से आशना नहीं हो सकते और फिर ये कि कसीदा उस जहानत की जौलान गह भी था जो हमारे क़दीम उलू फ़नून का सरमायाफ्तार थी उसकी मानी आफरीनी मुरस्कारी पर पुर्शको और आलिमाना लहजा और ज़बान व अदब की वसत उर्दू शायरी की तारीख का एक यादगार बाब है अब शहर के ये ख्याल जो आपने अभी समात फरमाए अगर उसकी तहों में उतर कर उसे मजीद खोल कर बयान किया जाए तो यह हकीकत मुंकश होती है कि वाकई कसीदा मशरक़ी शहरियात और तहजीब और यहाँ का कदीम ूम फ़नून के फनी इजहार का एक रोशन मतन था और है अंग्रेज़ों के आने से कबल बल्कि अठारह सौ सत्तावन से पहले का हमारा अदब और उसमें शेर बनाने और करने का जो तरीका था वो अंग्रेज़ों के आने के बाद पस मंज़र में चला गया हमारे यहाँ हकीकत हाँ की तफीम या हकीकत निगारी के मानी वो नहीं थे जो हमें अंग्रेज़ों ने सिखाए अंग्रेज़ों के यहाँ हकीकत नगारी का तस्वुर अलग था और हमारे यहाँ हकीकत के बजाय कज़ाए तखीलिया यानि ख़याल पर जोर देने की रवायत रही थी क्योंकि हमारे दानशवरों का ये मानना था कि हकीकत निगारी के ज़रिए शेर क़ायम हो ही नहीं सकता यही वजह है कि हमारे यहाँ गज़ल में ख़याली महबूब या आशीब की नित नई तस्वीरें सामने आती रही हैं कसीदे में ख़याल परवरी या ख्याल आरई की वो मिसाल मिलती है जिसकी नज़ीर दूसरी शेरी इसनाप में शायद बाएध ही नज़र आए लिहाजा कसीदे में जिदत अदा अनदेषहाय दूर दराज शिको ज़बान या कलीलुल इस्तेमाल लफ्ज़ या अल्फाज का ज़्यादातर इस्तेमाल मुस्तलहात इल्मी का इस्तेमाल तलमत का इस्तेमाल इजहार फजल व कमाल वग़ैरह कसीदे के वो उसलूबियाती साखती हैं जिनकी वजह से कसीदा शायरी का मग्ज़ करार पाया लिहाजा कसीदे की बाज़ियाफ़त या उसका मताल या उसके तहफ़ का दूसरा नाम मशरक़ी तहजीब की बाज़ियाफ़त और तहफुज है जहाँ तक उर्दू में कसीदे की रवायत और उसके इरत का ताल्लुक़ है तो ये ग़ज़ल ही की तरह फारसी से उर्दू में आया अरबी शायरी का आगाज़ रजत से हुआ उसके मसरे एक के बाद एक होते थे और सब में काफ़िया होता था फिर बैत का तसूर पैदा हुआ और आखिरकार फिर लम्बी नजमों का ज़माना आया और उसी को कसीदा कहा गया था दखनी उर्दू में आगाज़ से ही कसीदे मिलते हैं बहमनी दौर में निज़ामी बेदार मुश्ताक लुफ़ी आदिलशाही दौर में अब्दुल मली, अब्दुल मलक मलिक मलिक खुश, खुशनूद नुसरती कुतुब शाही दौर में खुद कुली कुतुब शाह गवासी और बाद के शायरों में वली नूरी ने कसीदा नगारी के अच्छे नमूने छोड़े हैं शुमाली हिंद में भी उर्दू शायरी के इब्ताई दौर से ही कसीदे मिलने लगते हैं अलबत् शाकिर नाजी शाह मुबारक आबरू हई ताबा मीर वगैरह के बाद कसीदे को एक बुलंद मकाम पर पहुँचाने में सौदा और बाद में ज़ौक ने जो रोल अदा किया है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता कहने को तो मीर हसन कायम चांदपुरी जाफ़र अली हसरत बका बका अशरफ अली फोगा वगैरह ने भी कसीदे लिखे हैं और सौदा के मकाम तक तो पहुँचना चाहा है लेकिन सौदा का अंदाज़ उन्हें नसीब नहीं हुआ बाद के दौर में मोमिन और गालिब ने भी कसीदा नगारी में इजाफ़ा किया और फिर जब उर्दू शायरी का नया मरकज़ लखनऊ बना तो वहाँ के शायरों ने बहुत बाद में इस सिनफ़ की तरफ तोज्जो साफ़ की यहाँ के शहरा ने ज़्यादातर मरसिया नगारी पर तोज़ो दी तहम अगर हम खलीक से लेकर अनीस दबिर तक के मरसियों का तजिया करें तो उनमें कसीदे की शहरियात और बिलखसूस सौदा के कसीदों का रंग झलकता नज़र आता है यहाँ तकी खा हवस मुजफ़र अली असी मुनर शिकोहाबादी अमीर मिनाई मोहसिन काकौरी ने कसीदे का एक ऐसा दफ्तर क़ायम किया जिसके मताले के बाद ये कहना मुश्किल हो जाता है कि लखनऊ में कसीदा निगारी पर तोजह कम दी गई दौर जदीद में यानी गदर के बाद हाली शिबली इसमाइल मिर्ठी और नज्म तब तबा तबाई ने कसीदे की शायरी को उसका सच्चा रंग अदा किया अज़ीज़ लखनवी बीसवीं सदी के सबसे बड़े कसीदा नगार कसीदे के नाकदीन की नज़र में करार पाए हैं जिनके यहाँ तमाम अदवार के कसीदे का रंग एक साथ नजर आता है कसीदे का ये सफ़र रियाज़ खैराबादी जलील मानकपुरी और इकबाल सहैल से होते हुए हमारे अहद तक पहुँचा है और मशक़ी तहजीब का ये नुमाइंदा सिनफ शारी मज़ी नए रंग व आहंग के लिए उर्दू के किसी सौदा सिफर शायर का मंतज़र है कसीदे के सिलसिले में हमारी ये गुफ्तु -गु जारी रहेगी अगली नशस्त में हम कशीदे के ज़ाय तरकीबी के बारे में बात करेंगे शुक्रिया आदाब